हेलो दोस्तों, यूपीएससी नीट स्टार्ट हो चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी एग्जाम पैटर्न के ऊपर कि आखिर किस पैटर्न पर यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब के ऊपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब भी हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करने जाते हैं तो सबसे पहले हमें उस एग्जाम का पैटर्न अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि जब हमें एग्जाम का पैटर्न मालूम होता है तो हम उसी अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को कर पाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि यूपीएससी टोटल तीन फेज में पेपर कंडक्ट कराती है। पहला होता है प्रीलिम्स, दूसरा होता है मेंस एंड तीसरा होता है इंटरव्यू। ये तो दोस्तों बेसिक नॉलेज है जो सबको मालूम होती है। अब हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में कि प्रीलिम्स में कितने पेपर होते हैं, उसकी जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है प्रीलिम्स के उनके बारे में, मेंस में कितने पेपर होते हैं, मतलब पूरा हम उसके ऊपर डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीलिम्स की। दोस्तों, जो प्रीलिम्स आपका होता है ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है, मतलब ये आप पेपर जो आपका होगा ये ऑब्जेक्टिव बेसिस पे होगा। दोस्तों मतलब कि आपको वो एमआर शीट मिलेगी, आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको जो ब्लैंक होता है उसको फिल करना होता है। ये पैटर्न पर प्रीलिम्स होता है। और ये पेपर प्रीलिम्स का जो होता है ये नेगेटिव पेपर होता है, नेगेटिव मार्किंग पे होता है। अब हम बात करते हैं प्रीलिम्स में कितने पेपर होते हैं। प्रीलिम्स में टोटल टू पेपर्स होते हैं। पहला होता है जीएस पेपर वन एंड दूसरा होता है जीएस पेपर टू। अब दोस्तों, जीएस पेपर टू को ही सी सेट भी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं जीएस पेपर वन में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो दोस्तों, जीएस पेपर वन में जितने भी आपके ये जनरल स्टडीज सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि पॉलिटी, गवर्नेंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सोसाइटी, इन्वायरमेंट, यही सब दोस्तों जो आपके जीएस जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट होते हैं वही सब आपको जीएस पेपर वन में पूछे जाते हैं। और दोस्तों, जो आपका जीएस पेपर टू होता है जिसे आप सीसेट बोलते हैं, उसमें आपको मैथ, रीजनिंग एंड कम्प्रिहेंशन पूछा जाता है। तो दोस्तों, ये सब जो होता है ये आपका टोटल टेंथ लेवल तक का पूछा जाता है, मतलब मैथ भी टेंथ लेवल तक, रीजनिंग भी, और ये कम्प्रिहेंशन जो होता है ये सब टेंथ लेवल तक का ही पूछा जाता है जीएस पेपर टू में। पर दोस्तों, जो जीएस पेपर टू होता है ये केवल क्वालिफाइंग होता है, मतलब आपको इसमें 33% मार्क्स ला के क्वालिफाई करना होता है। और दोस्तों, अगर आप जीएस पेपर टू में फेल हो जाते हैं तो आपकी जीएस पेपर वन की कॉपी चेक नहीं होती, मतलब आपको जीएस पेपर टू क्वालिफाई करना मस्ट है। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई हमारी प्रीलिम्स की, कि प्रीलिम्स का पेपर पैटर्न क्या होता है और उसमें किस तरीके से क्या क्या कंडीशंस होती है। दोस्तों, ये जो दोनों पेपर होते हैं आपके प्रीलिम्स के, ये 200 मार्क्स के होते हैं। और दोस्तों, इसमें जो आपको टाइमिंग मिलती है वो 2 घंटे की ही मिलती है। और ये दोनों पेपर आपके एक ही दिन में कंडक्ट करा लिए जाते हैं, मतलब जीएस पेपर वन भी जीएस पेपर टू भी दोनों ही एक ही दिन में कंडक्ट होता है। जीएस पेपर वन में टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड जीएस पेपर टू में टोटल 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, ये बात हो गई हमारे प्रीलिम्स की। अब हम बात करते हैं मेंस की। दोस्तों, जो आपका मेंस होता है उसमें आपको टोटल 9 पेपर होते हैं। दोस्तों, जिसमें क्या कोई 4 पेपर जो है जीएस के होते हैं, 1 पेपर एससे का होता है, 2 पेपर आपके ऑप्शनल होते हैं और 2 पेपर आपके लैंग्वेज के होते हैं जो कि क्वालिफाइंग्स होते हैं। अब दोस्तों, हम एक एक पेपर के ऊपर अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं चारों जीएस के पेपर के बारे में। तो दोस्तों, जो चारों जीएस के पेपर होते हैं ये 250 मार्क्स के होते हैं, मतलब 250 मार्क्स का एक पेपर होता है आपका। तो दोस्तों, जिसमें आपका जीएस पेपर जो 1 होता है उसमें आपको जियोग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, सोसाइटी, इन सब के ऊपर आपको जो है जीएस पेपर जो 1 होता है उनके उनमें डिस्कस किया जाता है, उनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आपका जीएस पेपर 2 होता है उसमें आपको पॉलिटी, गवर्नेंस, आईआर, सोशल जस्टिस, ये सब आपसे पूछा जाता है जीएस पेपर 2 के अंदर। जो जीएस पेपर 3 होता है आपका, उसमें आपको एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये साइंस एंड टेक, ये सब आपसे पूछा जाता है जीएस पेपर 3 के अंदर। और जो जीएस पेपर 4 होता है आपका, वो होता है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड का। मतलब दोस्तों, ये जो 4 पेपर आपके होते हैं ये जीएस के होते हैं और ये चारों पेपर 250 मार्क्स के होते हैं, मतलब 250 मार्क्स का एक पेपर आपका होता है। ये तो बात हो गई दोस्तों जीएस के चारों पेपर की। अब हम बात करते हैं जो एससे हमारा होता है उसके ऊपर। तो दोस्तों, जो आपका एससे होता है उसमें टोटल आपको 2 एससे लिखने होते हैं। और दोस्तों, ये भी आपका पेपर 250 मार्क्स का ही होता है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं ऑप्शनल के ऊपर। दोस्तों, जो आपको ऑप्शनल का पेपर होता है उसमें आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना होता है और आपको उसी ऑप्शनल सब्जेक्ट का 2 पेपर होते हैं। मतलब जैसे अगर आपने PSIR चूज किया या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चूज किया, हिस्ट्री चूज किया, ज्योग्राफी चूज किया, इकोनॉमिक्स चूज किया, जो भी आपने चूज किया आपको उस सब्जेक्ट का 2 पेपर देना होगा। और दोनों पेपर 250 मार्क्स का एक पेपर होता है, मतलब टोटल आपका जो ऑप्शनल होगा वो 500 मार्क्स का होगा, मतलब 500 मार्क्स के आपके ऑप्शनल के पेपर होते हैं।
तो दोस्तों ये तो बात हो गई जो कि आपके मेरिट लिस्ट में काउंट होंगे उन सब्जेक्ट के बारे में, उन पेपर्स के बारे में। चारों जीएस का पेपर, एक एससे का पेपर और दो ऑप्शनल के पेपर, ये सात पेपर जो है आपके मेरिट लिस्ट में काउंट होते हैं। अब दोस्तों जो आपका दो पेपर होता है लैंग्वेज का, जिसमें कि दोस्तों आपका एक इंग्लिश जो होता है वो कंपलसरी होता है, सबको देना होता है, और एक जो 8th शेड्यूल में जितने भी लैंग्वेज 22 दी गई हैं उनमें आपको एक चूज करना होता है, मतलब इंडियन लैंग्वेज आपको एक चूज करना होता है और आपको उसका पेपर देना होता है। दोस्तों ये दोनों जो पेपर होते हैं ये 300 मार्क्स के होते हैं और ये केवल क्वालिफाइंग्स होते हैं, मतलब आपको 25% मार्क्स ला के इसको क्वालिफाई करना होता है। मतलब अगर आपने 300 मार्क्स में से 75 मार्क्स ला दिया तो आप ये पेपर क्वालिफाई कर जाते हैं, और ये आपको क्वालिफाई करना मस्ट होता है, क्योंकि अगर आप ये पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आपकी जीएस के किसी भी पेपर की कॉपी चेक नहीं होगी। मतलब आप अगर ये पेपर क्वालिफाइंग पेपर फेल कर जाते हैं लैंग्वेज का, तो आपका जो ये जीएस का पेपर हुआ, ऑप्शनल का हुआ, एससे का हुआ, ये आपका कॉपी चेक नहीं होगा। तो मतलब आपको ये क्वालिफाई करना मस्ट है। तो दोस्तों आपने देखा कि 1750 मार्क्स का जो आपका मेंस में होता है वो आपके मेरिट लिस्ट में काउंट होता है मार्क्स, जिसमें कि आपको चारों जीएस का पेपर, एक एससे का और दो ऑप्शनल का, ये जो टोटल पेपर मिला हुआ 1750 मार्क्स का, ये आपके मेरिट लिस्ट में काउंट होगा। और जो आपने प्रीलिम्स का पेपर दिया है वो आपके मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होता, वो केवल आपको क्वालिफाई करना होता है और आपको इसमें आना होता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं जो आपके प्रीलिम्स होती है उसकी जो जनरल कट ऑफ जाती है वो क्या जाती है। तो दोस्तों जो प्रीलिम्स की जनरल कट ऑफ जाती है वो आप मान के चलिए 95 से 100 मार्क्स के बीच जनरल के लिए है, 95 से 100, 102 ये सब जनरल के लिए है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई हमारे यूपीएससी एग्जाम पैटर्न की, प्रीलिम्स और मेंस की। अब दोस्तों जो बात करते हैं लास्ट फेज जो कि इंटरव्यू है उसके ऊपर। तो दोस्तों इंटरव्यू में जनरली आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाते हैं आपके पर्सनालिटी के बेसिस पूछे जाते हैं, मतलब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा सब्जेक्ट से भी, बट दोस्तों उसमें मेनली आपकी पर्सनालिटी चेक होती है, क्योंकि आप एक ऑफिसर बनने जा रहे हैं तो आपके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटी है कि नहीं है, ये आपको पर्सनालिटी टेस्ट इंटरव्यू के अंदर जज किया जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है कि आपको यूपीएससी का एग्जाम पैटर्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं, और दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए ये भी आप जो है कमेंट बॉक्स में बोल के बताएं, जिससे कि हम उसके ऊपर वीडियो बना सकें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।